मुंबई में दिन दहाड़े एक परिवार को बंधक बनाकर लूट का संगीन मामला सामने आया। ये घटना मुंबई के अंबोली इलाके की है। यहाँ एक पूर्व महिला पत्रकार के घर दो बदमाश कुरियर बॉय बनकर आए। दोनों ने दरवाजा खोलते ही महिला और उसके परिवार के चार लोगों को हथियार के दम पर बंधक बना लिया। करीब चार घंटे तक बंधक बनाकर दोनों लुटेरों ने घर की तलाशी ली। इसके बाद परिवार के लोगों से एटीएम कार्ड मांगा। एक बदमाश एटीएम से पैसे निकालने गया, जबकि दूसरा बदमाश बंधक बनाकर परिवार को धमकाता रहा। बाद में महिला का ड्राइवर घर पहुंचा तो इस वारदात का पता चला। लुटेरों ने पूर्व महिला पत्रकार के सिर पर वार कर उन्हें घायल कर दिया। तो दिन दहाड़े ये घटना हुई, जहां पर कुरियर बॉय बनकर बदमाश आए, दरवाजा खटखटाया, घर में एंट्री ली और उसके बाद हथियारों के दम पर जो लोग घर पर मौजूद थे उन्हें बंधक बना लिया और इसके बाद तलाशी ली कुछ सामान चुराने के लिए। लेकिन उसके बाद एटीएम कार्ड मांगा। एक बदमाश एटीएम से पैसे निकालने गया, जबकि दूसरे बदमाश ने यूं ही घर में लोगों को बंधक बना के रखा। हालांकि जब ड्राइवर घर में पहुंचा तो उसके बाद जाकर इस वारदात का खुलासा हुआ। सवा तीन बजे घंटी बजी तो मेरी जो नैनी है, जो मेरी बेटी, वो दिखती है, घर पे रहती है। दरवाज़ा खोला, सोचा कि वो कुरियर है, कुरियर वाले हैं। तो खोला, तो जैसे उसको खोला तो उसको गले में पकड़ा, उसको बेहोश कर दिया। अच्छा। फिर मेरी मम्मी सो रही थी, मेरी मम्मी के पास गई और वहाँ पे मेरी मम्मी को बंदूक दिखा के हाथ पैर बांधा। हाँ, तो उस दौरान तक वो लोग पैसा मांग रहे थे। फिर मम्मी का देखा कि घर पे कोई पैसा नहीं था, मतलब 5-6 हज़ार रुपये घर पे थे। तो जो भी पैसा था वो मेरे नैनी के हाथ में थे, तो वो भी दे दिया था। वो कुल मिलाकर 18 हज़ार था। तो मम्मी का बैग खोला, वहाँ पे एटीएम कार्ड मिला। एटीएम कार्ड मम्मी को बोला देने के लिए। और उस दौरान मेरी बेटी स्कूल से वापस आ रहे थे, तो मेरे नैनी को बोला जाके मेरे बेटे को लेके आना, बिकॉज इफ़ माई डॉटर वुड नॉट हैव बीन पिक्ड अप द स्कूल वुड हैव कॉल्ड मी अप। तब उनका पोल तुरंत उधर ही ख़त्म हो जाता। तो मेरी नैनी बर्था जाके जहन को लेके आई।